नाश्ता बनाया है जो चाय के साथ आपको मजा आ जाएगा खाने पे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा। यहाँ पे मैं कुछ सरसों के दाने इसके अंदर डाल दूंगी तड़के के लिए, और एक कटी हरी मिर्च डालूंगी मैं। साथ ही मैं डालूंगी इसमें एक कटा हुआ प्याज, हल्का सा इसे भुनना है, ज्यादा नहीं, सुनहरा नहीं करना है। ये अब मैं यहाँ पे डालूंगी इसमें दो कटोरी पानी। तो जितनी क्वांटिटी रहेगी सूजी की, उससे हमें दुगना पानी लेना है। तो मैं यहाँ पे एक कटोरी सूजी ले रही हूँ, तो दो कटोरी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी जीरा पाउडर एक चुटकी, और इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर। पानी को अच्छा सा उबलने देना है, और साथ ही मैं डालूंगी काली मिर्च पाउडर। आपके पास जो मसाले हैं आप वो डाल सकते हैं, बेसिक चीजें इसके अंदर डालें। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही उबाल आ जाए इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और अब इसी में मैं धीरे धीरे ये सूजी डालूंगी। एकदम थोड़ी थोड़ी सूजी डालना है और इसे चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। तो थोड़ी थोड़ी डालें और चलाते रहें। जैसे जैसे हम डालेंगे ये पानी सोक करता जाएगा। और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। और हमें पूरे पानी को सुखा लेना है। और इसी स्टेज पे मैं इस पे डालूंगी ये आलू जो हमने मैश किए थे। और गैस का फ्लेम कर देना है बंद। और यहीं पे मैं कुछ करी लीव्स इसके अंदर डाल दूंगी, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही फ्लेवरफुल रहती है और बहुत बच्चों को पसंद आता है। तो इसका हमें एक डो तैयार करना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर ले रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो ज्यादा नहीं, हमें 2 मिनट के लिए ठंडा करना है इसे। दोस्तों, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, अब देखिए क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक थाली ले ली है बड़ी सी, उस पर डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और चारों तरफ स्प्रेड कर देना है अपने हाथों से। और उसी पे ये अपना सूजी का बैटर रख देना है, और अच्छे से इसे जमा देना है। आप इसके लिए कोई मिठाई का टिन भी ले सकते हैं, नहीं है तो ऐसे अपने पास जुगाड़ तो है ही है। तो इसे चारों ओर स्प्रेड कर देंगे, ठंडा होने के बाद अपने आप जम जाएगा। बहुत झटपट बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसे टिफिन में, शाम के नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं, और ऐसे ये जमा के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपका जब भी खाने का मन करे आप फ्रिज से निकाले और फटाफट फ्राई करके मजा उठाएं इस रेसिपी का। तो फ्रेंड्स, इसे मैं रख दे रही हूँ 10 मिनट सेट होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कट चुका है, तो मैं इसे अब फ्राई करूंगी तवे पे। ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, तो चलिए इसे अब फ्राई कर ले। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तवा लिया है, आप चाहो तो कढ़ाई में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कम तेल के लिए यहाँ पे तवे पे बना रही हूँ ताकि ये तेल कम सोखे। चारों तरफ तेल को फैला देना है, और एक एक करके इसे फ्राई करना है।
इसे रख दिया मैंने फ्राई होने के लिए, इसे ज्यादा छूना नहीं है। ये जब तक क्रिस्पी ना हो तो इसे पलटे ना, नहीं तो टूट सकता है। तो इसे पकने देते हैं और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो चुका है, सुनहरा हो गया एकदम। इसे मैं निकाल ले रही हूँ, इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स शाम का नाश्ता तैयार हो गया है। तो गर्मा गर्म चाय के साथ इसे सर्व कर दीजिए। अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।